तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मियंक। तो स्वागत है आपका एक नुचीडे 5 के वीडियो में। कैसे हो सबके सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अब लास्ट वाले एपिसोड में आप सबको पता होगा कि अपने पास अपना लैपटॉप आ चुका है, जिसके अपने को तलाश थी और जिसके अंदर मेरा सारा पर्सनल डाटा था, लूसिया का भी सारा डाटा था, वो अपने हाथ आ गया है, जिसको लेकर के आया था सनी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिलहाल यार सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अभी अभी ना मेरे को शेख का कॉल आया था और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। पता नहीं यार ऐसा उसके साथ क्या हुआ है। और उसने बोला कि तू और जो तेरा फ्रेंड बीबी गेमिंग है, तुम दोनों के दोनों अभी मेरे पास आओ, और याद रखना कोई भी वेपन तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। अब मेरे को यार कुछ बात तो अजीब सी लग रही है, पता नहीं यार इतना ज़्यादा गुस्से में उसने कभी बात तो मेरे साथ नहीं करी है। तो यार बस मैंने बीबी गेमिंग को कॉल करा हुआ है, वो मेरे तक आता ही होगा। तब तक आप लोग क्या कर रहे हो? जब तक वो आ रहा है आप लोग वीडियो को लाइक करो। जो लाइक है मैं वीडियो को वो है पूरे 40,000 लाइक का। चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, हम लोग 7 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। और एक मिनट, यहाँ पर देख रहे हो यार गाड़ी आ चुकी है और ये आ गया है बीबी गेमिंग। अबे क्या हुआ भाई, तूने अचानक से कॉल करके मेरे को बुलाया है? यार सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से मेरे को शेख का कॉल आया, कह रहा है कि तू आ जा और जो तेरा दोस्त है तुम दोनों के दोनों मेरी लोकेशन पर आओ बताई हुई। कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? लग तो मेरे को रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो गया है, फिलहाल चलते हैं यार, देखा जाएगा जो भी होगा। और तूने बोल दिया कि वेपन भी नहीं लाने हैं, तो मैं वेपन भी नहीं लाया भाई, सब ठीक है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं है यार? अब तो उधर जाके ही पता चलेगा। चले क्या? हाँ चल ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं चल के। चल एक काम करता हूँ, सिक्योरिटी अपने साथ लेकर के चलूंगा, ठीक है? हाँ भाई कुछ गड़बड़ हो सकती है। इस टाइम पर ना मैं जल्दी से चल करके बैठता हूँ अपनी गाड़ी में, और यहाँ पर देख रहे हो हम लोग चलेंगे अपनी मेबैक के अंदर। बाकी तू ड्राइव कर ले या तो बैठ जा मेरे साथ। हाँ चल ठीक है, मैं पीछे बैठ जा रहा हूँ। चल ठीक है, तो चलो यार इस टाइम पर ना हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ करके यहाँ से सीधा चलते हैं शेख की बताई हुई लोकेशन पर। और उसने ना अपने को एक अलग सी लोकेशन पर बुलाया, उसने ना अपने को अपने बंकर पर नहीं बुलाया। अब पता नहीं यार क्या सीन है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है वो बंदा आज। और आपको पता है जब वो गुस्से में रहता है तो बहुत ज़्यादा ही बुरा सीन करता है। तो फिलहाल तो इस टाइम पर हम तीनों लोग ना अपनी कार्स को लेकर के यहाँ से चलते हैं सीधा उसकी बताई हुई लोकेशन पर। ओके तो गाइस इस टाइम पर ना हम लोग अपनी अपनी कार्स को लेकर के शेख की बताई हुई लोकेशन पर पहुँच गए हैं। अब बस ये समझ नहीं आ रहा जो शेख है उसका मूड क्यों ऑफ है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उसने अपने को बस एक चीज़ बोली थी कि अपने को कोई भी वेपन वगैरह नहीं लेकर के आना है। और ये देखो यार ये एक पार्किंग की लोकेशन है। अब बाकी ना अपने को क्या काम करना चाहिए, अपने को आगे लेकर के चलनी चाहिए अपनी कार्स। तो जल्दी से ना अपनी गाड़ी को ना पहले मैं इधर लेकर के चलता हूँ सीधा आगे की साइड। और एक मिनट, एक बंदे ने अपने को रोक लिया, रुको इससे ना चल अभी तो शेख की सिक्योरिटी लग रही है ना। उसने बिल्कुल अपने को इसी लोकेशन पे बुलाया था यार। चल ठीक है बात कर इससे। ये कह रहा है कि मेरे साथ तो बैठो और वेपन अलाउड नहीं है, बाकी की तेरी सिक्योरिटी इधर ही रहेगी और तुम तीन लोग चल सकते हो बस साथ में मेरे। चल ठीक है चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेपन तो वैसे ही नहीं लाए हम लोग, अपने बॉडीगार्ड पे वेपन है, ये अंदर रख के आ जाएगा। तो चलो यार अब जल्दी से ना हम लोग इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं और यहाँ पर जो अपना बॉडीगार्ड है वो रख करके आ गया है वेपन को। और बाकी यार इसने अपनी सारी की सारी सिक्योरिटी बाहर की साइड ही खड़ा ली है। पीछे तूने वेपन देखे थे, गाड़ियां खड़ी है भाई, गाड़ियां और मशीन गन है इधर तो पूरी खतरनाक वाली। हम लोग पहुंचने वाले हैं शेख के पास और ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना शेख का, ये कह रहा है कि कोई भी चलाकी करने की ट्राई करे तो देख लेना। और वैसे ना कह रहा है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा बुरा फंस चुके हो। अबे यार ऐसा हुआ क्या है, मेरे को तो वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। और यहाँ पर कह रहा है कि अब तुम लोग उतर करके आगे की साइड जा सकते हो जहाँ पर इनका बॉस खड़ा हुआ है। और वो देखो गाइज ये जो बंदा है ये अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ से जा रहा है। और बाकी देख रहे हो यार जितने भी बंदे हैं, अबे बहुत ज़्यादा बंदे हैं, सब पे मशीन गन है, मशीन गन लगी हुई है यहाँ पे। चल क्या रहा है भैया? यार कुछ तो करा भी नहीं है मैंने ऐसा, कि ये तो पता नहीं क्या हो गया इसको। ऊपर की साइड हेलीकॉप्टर है, नीचे की साइड मशीन गन है, पता नहीं यार क्या हो गया। ये खड़ा देख शेख, एक बार पता कर से हुआ क्या है भाई, हमें यहाँ बुलाया क्यों इसने? एक मिनट यार इसके पास चलते हैं। और ये देख रहे हो गाइस शेख बिल्कुल सामने की साइड खड़ा हुआ है और यहाँ पर इसने अपने को मिलने के लिए बुलाया था। और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा है और देख रहे हो यार बस ये अपने को घूर रहा है। और ये देखो ये भाई क्यों चिढ़ा, तेरे को कुछ पता है क्या भाई? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है ये बोल क्या रहा है भाई। अब देखो गाइस यार इस टाइम पर ना मेरी शेख से बात हो गई है और ये कह रहा है कि तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई मेरे बंकर के अंदर चोरी करने की। और ये कह रहा है कि उस बंकर के बारे में तुमको ही मालूम था, तेरे को और तेरे फ्रेंड को। अब बाकी वहां पर कल रॉबरी हुई है मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है यार, तेरे को कुछ पता है क्या?
भाई मुझे खुद नहीं पता ये बोल क्या रहा है भाई, बंकर पे तो हम लोग गए नहीं है इसके। पता नहीं यार इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई शायद से, लेकिन कह रहा है कि अब तुम्हें मैं बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला हूँ, लेकिन मैं इसको मना भी कर रहा हूँ यार, लेकिन कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे। लेकिन एक मिनट, बंद क्यों निकाल ली भाई? अबे देख शेख सीधी सी बात बताऊं, कोई फायदा नहीं है। एक मिनट, ये देख रुक गाइस, इसने अपने बॉडीगार्ड को खत्म कर दिया है और भाई मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता इस टाइम पर यार, हमने तो कुछ करा भी नहीं है, बिना मतलब के इसने उड़ा दिया मेरे बॉडीगार्ड को। देखो गाइस इस टाइम पर इसने मेरे बॉडीगार्ड का क्या हाल कर दिया है, उसको बिल्कुल मार दिया। और एक मिनट, इसका एक बंदा आया है यहाँ पर, एक रिमोट लेकर के है शायद से इसके हाथ में, और देख रहा है यार पता नहीं क्या सीन करता जा रहा है यार, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है गाइस मेरे को। और इस टाइम पर कह रहा है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तब मैं तुम्हारा सीन बिल्कुल ऐसा करने वाला हूँ, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। अब इसको ऐसा लग रहा है कि हमने ना इसके बंकर में रॉबरी करी है, जो कि हमने नहीं करी। और एक मिनट, वो देख रहा गाइस सामने इसने, अबे यार इसने एक विसल मारी और बिल्डिंग पूरी की पूरी ब्लास्ट हो चुकी है सामने की साइड। मतलब ये बंदा जो लेकर आया था रिमोट लेकर आया था बॉम्ब का कोई, वही तो इसने ऑर्डर दिया, उसने बटन दबा दिया। अब यार ये बहुत ज्यादा तगड़ा बंदा है, लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इसने अपने को 2 दिन का टाइम दिया है, कह रहा है कि अगर तुम अपने आप को प्रूफ कर सकते हो कि तुमने रॉबरी नहीं करी, जिस बंदे ने रॉबरी करी है उसको सीधा मेरे तक लेकर के आओ, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है। अब यार चलते हैं इधर से सीधा नीचे की साइड, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, देख रहा है यार क्या सीन कर दिया इसने, बहुत ज्यादा बुरा। बॉडीगार्ड को मार दिया यार, क्या करना है, कुछ करना है क्या? मैं खत्म कर दिया, बॉडीगार्ड तो मेरा बहुत तगड़ा था, वही तो समझ में नहीं आ रहा यार मेरी भी, बता क्या करना है, कोई प्लान है तेरा? देख यार मेरे को साफ साफ बता, तूने कुछ करा है क्या? इसका एक प्राइवेट लैपटॉप था जिसमें इंफॉर्मेशन थी इसकी सारी। एक अगर मैं करता तो मैं तेरे को फोन करके बताता, मैंने कुछ नहीं किया यार, ये किया किसने है? अब मेरे को भी समझ नहीं आ रहा, तेरे दिमाग में कोई बंदा है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है देख, इसी का कोई पुराना दुश्मन है जो ये काम करवा रहा है, और इसे लग रहा है कि हमने किया है। अब वो जो केस था ना, जो भी इसका लैपटॉप वाला, उसको मैं लेके आया था मिलिट्री बेस से, इसकी अच्छा सारी इन्फॉर्मेशन थी उसके अंदर। ऐसा तो नहीं कि इसके बारे में किसी और को भी पता हो? मेरे को लग रहा है यार किसी को पता होगा, क्योंकि कह रहा था कि कई बंदों की नजर है, लेकिन उस बंकर के बारे में किसी को भी पता नहीं था। भाई अब 2 दिन में क्या करेंगे, 2 दिन का टाइम दिया, बंदा कहाँ से लाएंगे ढूंढ के? यार अब पता नहीं, देखना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए, मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार। मुझे तो लग रहा है वो कुछ भी कर सकता है, देख रहा है आंखों के सामने भाई बिल्डिंग ब्लास्ट कर दी उसने। वही तो, 2 मिनट ही लगे उसको, अभी बस हम जस्ट खड़े ही थे और सब कुछ उसने खत्म कर दिया। भाई कुछ भी कर सकता है, बता तेरा कोई प्लान है? भाई शेख को ही पकड़ ले क्या? शेख को भाई, इसको अगर तू मारने की ट्राई करेगा तो तेरे को पता ही है कितनी सिक्योरिटी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, क्योंकि अगर हम उस बंदे को नहीं लाए तो बॉडीगार्ड की तरह हमारा हाल ना कर दे। 2 दिन है तो मैं घर चलता हूँ, अभी देखता हूँ यार क्या करना चाहिए, ठीक है मेरे को? चल ठीक है ठीक है। तो देखो गाइस यार इस टाइम पर ना हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर तो पहुंच चुके हैं, और बाकी ना मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने यार बीबी गेमिंग को बोल दिया कि मैं अभी जा रहा हूँ सीधा अपने मेलुबी मेंशन पर, और कुछ यार लूसिया से प्लान बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है यार मैं मेलुबी मेंशन के लिए निकलता हूँ। ठीक है तू मेलुबी मेंशन निकल, मैं ना पैंथर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? पैंथर मिल गए? हाँ भाई मैंने पैंथर ढूंढ लिया, मैं तुझे बताने ही वाला था पर इतना सब लफड़ा हो गया कि मैं भूल ही गया। अब यार मेरे को खुशी भी हो रही है, दुख भी हो रहा है, दुख इस चीज का है क्योंकि जो शेख है उसने अपने को 2 दिन का टाइम दिया है यार, बहुत ज्यादा उल्टा सीना। तो एक काम कर, तू पैंथर लेकर के आ जाना फिर मैं भी मेंशन पे लेकर आता हूँ, टेंशन ना ले, कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे यार। चल ठीक है, चल यार मैं निकलता हूँ। ठीक है चल ठीक है मैं भी जा रहा हूँ। तो चलो गाइस यार इस टाइम पर ना हम लोग अपनी मेबैक के अंदर बैठ चुके हैं, और बाकी देख रहे हो बीबी गेमिंग ना अपनी डिफेंडर ले जा करके जा रहा है अपने घर पर सीधा, और वहां से ना पैंथर वगैरह लेकर के आएगा, और बाकी अपने आधे सिक्योरिटी वाले अपने साथ चलेंगे, आधे उसके साथ जा चुके हैं। तो चलो अब जल्दी से ना अपनी मेबैक को यहां से भगा करके मेरे को चलना होगा सीधा मेलुबी मेंशन पर, और वहां जा करके मैं लूसिया से ना प्लानिंग करता हूं कि हम लोग इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे ढूंढ सकते हैं। तो चलो गाइस अब भगाते हैं अपनी गाड़ी को, चलता हूं सीधा मेलुबी मेंशन के लिए। तो देखो गाइस इस टाइम पर ना हम लोग अपनी गाड़ियों को लेकर के पहुंच चुके हैं सीधा मेलुबी मेंशन के बहुत ज्यादा क्लोज, और बाकी ये देखो यार अपने जो बॉडी गार्ड है ना इनको भी पता चल चुका है कि अपने एक बंदे को मार दिया शेख ने। ये लोग कुछ रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यार इनका एक तरह से ना यार पार्टनर था तो गुस्से में तो ये लोग भी होंगे। फिलहाल बीबी ने अपने को एक आइडिया दिया है, अगर हम लोग उसको 2 दिन तक बंदे को नहीं ढूंढ पाए तो हम लोग शेख की गेम बजा देंगे, लेकिन यार आपको पता है कहना आसान है करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो देखा जाएगा। फिलहाल तो इस टाइम पर मैं अपने गार्ड्स के साथ पहुंच चुका हूं घर पर, और चलता हूं सीधा लूसिया के पास और उससे चल करके ना बातचीत करते हैं। तो चलो यार अब जल्दी से मैं अंदर की साइड चलता हूं, बाकी 2 दिन ना इतनी जल्दी निकल रहे हैं ना पता ही नहीं चल रहा कुछ भी।
भी। अब लूसिया कहाँ पर होने वाली है यार, मेरे को कहीं दिखाई तो नहीं दे रही है, वो बाहर की साइड तो नहीं। तो चलो अब जल्दी से ना मैं चलता हूँ सीधा बाहर की साइड, बाकी मेरे को लूसिया सही में कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही, शायद से वो रही यार सामने की साइड। अभी मैं अंदर जाने लगा था लेकिन ये देखो सामने की साइड लूसिया, इससे ना चल करके हम लोग बातचीत करते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें यार। अब समझ ही कुछ भी नहीं आ रहा है, अब जो भी है यार लूसिया ही कोई सलूशन दे सकती है अपने को। देखो गाइस इस टाइम पर मेरी लूसिया से बात हो गई है, तो लूसिया कह रही है कि हमें ना एक काम करना चाहिए, हमें चलना चाहिए सीधा उस बंकर के क्रॉस, वहाँ पर कोई ना कोई कैमरा होगा तो हम लोग ना उसकी फुटेज वगैरह निकाल करके देख सकते हैं कि यहाँ पर किस वेपन ने हमला करा है किस व्हीकल के साथ। अब देखा जाएगा यार जो भी होगा। लेकिन अभी ना मेरे को बीबी गेमिंग का कॉल आया था और वो पहुँच चुका है सीधा अपने मेंशन पर। अब जो भी पैंथर है वो अपना लेकर के आ गया है, और चलो यार जल्दी से चलते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने पैंथर को देखने के लिए। बाकी ये देख रहे हो अपने बॉडीगार्ड्स अपने साथ ही हैं, गुस्से में तो यार सबके सब है। और वो देखो गाइस ये आ गया इधर, और अपना प्यारा पैंथर भी पहुँच चुका है इधर। देखो यार ये तो अपना पैंथर है, और तेरा वाला किधर है पैंथर? अब मेरा वाला तो मेंशन पे ही है, तेरा वाला यहाँ लेकर आ गया हूँ मैं। ठीक है यार, चले यार पैंथर को हम लोग बोल देते हैं कि उधर जा करके अपना रेस्ट वगैरह कर लेगा, इतने दिनों बाद आ जाया है ये मेलूबी मेंशन पर, अपने घर आ चुका है। और वो देखो लूसिया को देख करके उस तरफ भाग गया है वो, क्योंकि आपको पता है जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं ये सबको जानता है। और मेन प्लान ऐसा है यार इस टाइम पर ना अपने को शेक के बंकर के क्लोज जाना है। हाँ एक काम करते हैं, बंकर पे चल के एक बार चेक तो कर लें वहाँ हुआ क्या है भाई। वही लूसिया कह रही की ना सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स वगैरह हम लोग देखेंगे, अगर कोई भी व्हीकल होगा या तो कोई अपने को कुछ लगा उधर गड़बड़ तो बस पता चलेगा कुछ ना कुछ अपने को। ठीक है मैंने पुलिस से भी वैसे बात कर लिया, कैप्टन वगैरह को बोल दिया है कि इस बारे में कुछ भी पता लगता है ना तो बताएगा फोन करके। चल ठीक है फिर निकलते हैं गाड़ियाँ लेकर के, एक तो गाड़ियाँ बहुत ज्यादा पार्किंग भी लेनी है मेरे को। हाँ वही तो गाड़ियाँ बहुत हो गई, मैं डिफेंडर से जा रहा हूँ फिर। चल ठीक है तो डिफेंडर चला। मैं इस टाइम पर ना गाइज अपनी ना लेकर के चलता हूँ निसान GTR को, अब बहुत ज़्यादा चला रही है, लग्जरी गाड़ी है इस टाइम पर, थोड़ी सी स्पोर्ट्स गाड़ियों में बैठ करके यहाँ से निकलते हैं। तो देखो गाइज इस टाइम पर तो मैं निसान GTR के अंदर बैठ गया हूँ, और सामने की साइड से लूसी आ रही है, बीबी गेमिंग जा रहा है और अपना एक बॉडीगार्ड जा रहा है, और एक बॉडीगार्ड बीबी गेमिंग के साथ है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। आपको पता है यार शेख जो बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो चलो अब जल्दी से ये अपनी गाड़ी लेकर के चलेगा क्या? तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितने ज़्यादा व्हीकल होंगे उतना ही सही। अब जल्दी से ना हम लोग यहाँ से अपने गाड़ियों को लेकर के चलते हैं सीधा उस बंकर के पास, और ये देख रहे हो डिफेंडर जा रही है अपनी निसान GTR जा रही है, और पीछे की साइड मैक्लारेन आ रही है, बहुत ज्यादा खतरनाक सीन है। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना हम लोग अपनी अपनी कार्स को भगा करके यहाँ से चलते हैं सीधा उस बंकर पर, और वहां पर जा करके ना इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं। तो चलो गाइस यार इस टाइम पर ना हम लोग अपनी अपनी कार्स को लेकर के सीधा शेख के बंकर के क्लोज पहुंच चुके हैं। अब अपने को ना बस इतना देखना है कि कोई भी सीसीटीवी फुटेज अपने को मिल जाए तो अपने को ना एक आइडिया हो जाएगा, और ये पता चल जाएगा कि अटैक किसने करा है। और ये देख रहे हो यार इतनी ज्यादा पब्लिक है इधर, और बहुत ज्यादा बुरा सीन हो रखा है। एक मिनट मैं ना अपने निसान GTR को यहाँ पर रोकता हूँ, लेकिन ये पुलिस वाला कह रहा है कि तुम्हें एंट्री नहीं है ऐसे जाने की। और एक मिनट यार मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मेरे को क्या करना चाहिए। बाकी यार एक बार इधर नज़र तो मारो, बहुत ज़्यादा तबाही वगैरह है इधर, और एक बार अगर मैं अंदर की साइड जा पाता ना तो सही सीन हो जाता, मेरे को एक काम करना चाहिए। और इसने देखो पिस्टल निकाल लिया है, लेकिन अब मैं एक मिनट क्या हुआ भाई, ये एंट्री नहीं दे रहा। अबे कैसे एंट्री देगा तू ऑफिसर, ये मेरे साथ है, आजा आजा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो यार अपने को एंट्री तो मिल चुकी है, अब जल्दी से ना हम लोग यहाँ से चलते हैं सीधा आगे की साइड। और ये देखो कितनी ज्यादा तबाही कर दी है, तबाही मची है यहाँ पे। अब यार इसके पीछे कौन है मेरे को वो चीज नहीं पता, लेकिन जो भी है कोई तगड़ा ही बंदा होगा इसके पीछे। भाई शेख के सारे बंदे मार रखे, एक बार बंकर के चारों तरफ तो चेक कर दू। वो देख सामने की साइड स्मोक वगैरह निकल रहा है हेलीकॉप्टर में से, बंकर के अंदर से। और ये देखिए तो तेरा कैप्टन है ना इधर। हाँ वही मैंने से भेजा, मैं से बात करता हूँ, तू चारों तरफ चेक कर, ये कुछ ऐसे पता लगा होगा तो बताएगा मुझे। और एक मिनट वो देख सामने डेड बॉडी कितनी सारी है भाई, इसीलिए शेख इतना ज्यादा नाराज हो रहा है, यहाँ देख रहा है उसकी सिक्योरिटी की क्या हालत हुई है। कौन कर सकता है यार ये सब, कुछ पता ही नहीं कुछ भाई, इतनी ज्यादा तबाही देखो नॉर्मल तो बंदा कर नहीं सकता भाई, ये जरूर किसी गैंग का हाथ है। मेरे को तो खुद लग रहा है, देख रहे हो गाइस यार बहुत ज्यादा बुरा सीन हो रखा है इधर। बंकर है, बंकर तो रिवील हो चुका है, हर एक लॉस सेंटोस के बंदे को पता चल चुका है, शेंडी शोस के पता चल चुका है, और देख रहे हो पलीटो बे के क्लोज था ये बंकर, सबको मालूम पता चल चुका है इस बंकर के बारे में। और जितनी भी न्यूज वाले हैं ना इधर, ये देखो
लाइव टेलीकास्ट वगैरह कर रहे हैं, सामने एक कैमरा है। तो मैं ना एक काम करता हूँ, पहले ना बोलता हूँ कि अंदर की साइड चल करके देखते हैं कि अंदर क्या सीन चल रहा है। बंकर के अंदर चलें क्या? बंकर के अंदर चल सकते हैं। वैसे कैप्टन से मैंने पूछा कि आसपास कोई कैमरा है, तो ये बता रहा है कि यहाँ तो नहीं है। हाँ। पर गैस स्टेशन है ना जो पीछे, वहाँ पे कैमरा मिल सकता है। अच्छा, उस साइड पे गैस स्टेशन है कोई? हाँ, गैस स्टेशन के पीछे हम लोग को वहाँ कैमरा मिल सकता है, तो शायद वहाँ से कुछ पता लग जाए। चल ये भी सही है। मैं तो कह रहा हूँ कि चल ठीक है, हम लोग सीधा गैस स्टेशन ही चले। गैस स्टेशन ही चलते हैं क्योंकि लूसिया शायद तब पता लगा पाए। चल ठीक है। तो चलो यार, इस टाइम पर ना हम लोग जाने वाले हैं सीसीटीवी कैमरा की तलाश में गैस स्टेशन पर। बाकी निशान जीटीआर को यहीं पर खड़े रहने देते हैं। सामने की साइड अपनी डिफेंडर खड़ी है, हम लोग अपनी डिफेंडर में बैठ करके चलते हैं। बाकी ना अपने जितने भी बॉडीगार्ड्स हैं, देखो मैकलेरन को मैंने घर भेज दिया था, उसके अंदर अपना एक बॉडीगार्ड बैठ करके जा चुका है। और ये देखो अपने ये बॉडीगार्ड्स को मैं बोलता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर उतर करके वेट करो, हम तीनों चलते हैं सीधा आगे की साइड। और एक काम करता हूँ यार, जो अपनी निशान जीटीआर है उसमें इन दोनों को भेज देता हूँ सीधा घर के लिए। तो देखो गाइस, इस टाइम पर प्लान कुछ ऐसा है। बीबी गेमिंग कह रहा है कि ना ये अभी ना इधर कैप्टन के साथ रहेगा, उससे ना इन्फॉर्मेशन वगैरह निकलवाएगा, और कह रहा है कि तुम लोग जाओ सीसीटीवी कैमरा की फुटेज ट्राई करो उस गैस स्टेशन से। और मैंने ना अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा तो कर दिया कि तुम लोग जाओ इधर से निशान जीटीआर को सीधा मेलुबी मेंशन की तरफ ले जाओ, और वहां पर थोड़ा वेट करो जब तक मैं तुम्हें कॉल नहीं करता हूं, फिर निकलता हूं मैं। ठीक है? हाँ ठीक है, तू जा, मैं इससे बात बात करता हूँ, शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चल ठीक है। तो चलो गाइस, इस टाइम पर मैं एंड लूसिया हम लोग चलते हैं सीधा गैस स्टेशन के लिए, और वहाँ पर ना हम लोग ट्राई करते हैं कि हमें कोई सीसीटीवी कैमरा फुटेज ही मिल जाए, और तब अपने को पता चल जाएगा कि अपने को ना किसको पकड़ना है। लेकिन अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वैसे हमारे हिसाब से तो ना किसी गैंग का काम हो सकता है। अब ये देखना होगा कि असली में चोर कौन है भाई, जिसने भी रॉबरी करी है शेक के बंकर पर। और ये देखो, ये एक गैस स्टेशन है, और मेरे को ना यार यहाँ पर बस ये देखना होगा कि जो भी इसका मैनेजर है या तो ऑनर है वो कौन हो सकता है। सामने की साइड मेरे को एक रूम दिख रहा है, यहाँ पर आते हैं। लूसिया तो यही बोल रही है कि इसके अंदर, ओ भाई ये देखो कैमरा सामने की साइड लगा हुआ है, और यहाँ से ना शायद से सामने की साइड का जो रोड व्यू है वो तो दिख ही जाएगा अपने को। तो हम लोग एक काम करते हैं, जल्दी से ना सीधा ट्राई करते हैं अंदर जाने की, और जो भी यहाँ का बंदा होगा ना उससे ट्राई करते हैं कि अपने को सीसीटीवी कैमरा फुटेज ही मिल जाए। अब देखो गाइस, ये जो बंदा है ये ना इस शॉप का ऑनर है, और ये कह रहा है कि ऐसे थोड़ी होता है कि मैं तुम्हें अपनी शॉप की सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाऊं। अबे यार, अब मेरे को इमरजेंसी है, दो दिन है जिसमें से आधा दिन तो मेरा निकल ही चुका है, और अपनी जान बच सकती है। लूसिया भी इसको कह रही है कि देखो सर पैसे ले लेना, लेकिन हमें ना जरूरी है सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखनी। लेकिन यार ये कह रहा है कि ऐसे नहीं होता, और बहुत ज़्यादा हो गया यार, इसको एक मुक्के में मैंने बेहोश कर दिया है। तो ठीक है यार लूसिया, तू अंदर की साइड जा, और मेरे को एक काम करना होगा, इसकी जो बॉडी है इसको ना साइड वगैरह करता हूँ मैं। या तो एक काम कर लूसिया, तू ही उठा करके इसको साइड कर दे, और मैं ना बीबी गेमिंग को एक बार कॉल करता हूँ और पूछता हूँ कि वहाँ का क्या सीन है बंकर का। और देखो यार, जो लूसिया है वो कह रही है कि ठीक है मैं इसकी जो बॉडी को उठा लेती हूँ। ये देखो गाइस, इस टाइम पर ना लूसिया ने उस बंदे को उठा लिया है, और सही में यार दिखने में तुम्हें पतली सी लगे लेकिन बहुत ज़्यादा जान है। और अभी ना मेरी बीबी गेमिंग से होगी है बात, और वो कह रहा है कि जल्दी से बंकर की साइड आ, बहुत ज़्यादा बुरा सीन है बंकर के अंदर। अब यार बाहर की साइड तो आप लोगों ने देखा कि क्या गंदा सा सीन हो गया था, लेकिन अंदर की साइड कह रहा है कि और भी ज़्यादा बुरा हाल है। तो चलो अब जल्दी से ना मैं सीधा अपने डिफेंडर को लेकर के चलता हूँ। और लूसिया ने बोला था कि उसको टाइम लग जाएगा सारी की सारी फुटेज चेक करने में, क्योंकि जो फुटेज है ना वो आपको पता है, ये जो भी कांड है ये कल हुआ था, और एक दो दिन की पूरी फुटेज होंगी, वो सारी फुटेज ना उसको टाइम लगेगा देखने में। तब तक ना हम लोग तो अभी फ्री थे, तो चलते हैं सीधा बीबी गेमिंग के पास, और वहाँ चल करके ना देखते हैं कि बंकर के नीचे क्या सीन चल रहा है। अबे यार, एक तो शेक का तभी इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ था, एक तो उसका जो बंकर है वो रिवील हो गया है, ऊपर से उसके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो मर चुके हैं, और एक मेन चीज़ बंकर के अंदर से चोरी हो चुकी है। तो चलो अब जल्दी से ना मैं यहाँ से भाग करके चलता हूँ सीधा नीचे की साइड, और चल करके ना देखता हूँ कि क्या तबाही हुई है बंकर के अंदर। देखो यार, मैं बंकर के अंदर आ गया हूँ, और यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा है, देखो यार किसी टाइम हम लोग इसके अंदर आया करते थे, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी, बहुत ज़्यादा तगड़े तगड़े वेपन्स थे, और ये तो यार बहुत ज़्यादा गलत सीन हो रखा है। यहाँ पर जितने भी गार्ड्स हैं वो मरे हुए हैं, एक शेख की गाड़ी है वो पूरी डिस्ट्रॉय करी हुई है, एक बुलेट प्रूफ ट्रक या तो इसको टैंक कह सकते हैं वो भी यहाँ पर पूरा फुली डिस्ट्रॉयड है, और कुछ आग लगी हुई है ना गोल्ड के अंदर। अबे यार, ये गोल्ड वैसे भी ना बेकार ही हो चुका है। तो जल्दी से अब चलते हैं सीधा आगे की साइड, और यहाँ पर देखो
बहुत ज़्यादा गंदे वाली तबाही है। नीचे की साइड एक बार नज़र तो मारो, पूरा ब्लैक ब्लैक हो रखा है, मतलब यार इधर आग लगी है और आग हट चुकी है, लेकिन जो भी उसका निशान है ना वो पूरे दीवारों पर है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर गया है। और एक मिनट यार, यहाँ पर आप लोग देखो सीसीटीवी कैमरा है लेकिन पूरा टूटा हुआ है, लेंस वगैरह उसका पूरा का पूरा निकला है। तो मैं काम करता हूँ, जल्दी से चलता हूँ सीधा आगे की साइड, और मेरे को ना पुलिस कमिश्नर, एक पुलिस वाला एंड पीबी गेमिंग नज़र आ रहे हैं। अबे बहुत ज़्यादा उल्टा सीन हुआ पड़ा इधर तो भाई, यहाँ तो बहुत तबाही मची है। जब मैं पहले आया था तेरे साथ तो देखा था यहाँ कितनी सारी सिक्योरिटी थी, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी वाले बंदे हुआ करते थे। और एक इधर आई, ये चेक कर, ये कैमरा रूम है पर पूरे में आग लगी हुई है, देख रहा है पूरे रूम के अंदर। मैं देखता हूँ इसको ओपन करके। ओ भाई ये देख रहे हो गाइज, जो मेन सीसीटीवी कैमरा की फुटेज थी और जो भी कैमरा वाला रूम था ना उसके अंदर तो पूरी आग लगी है, मतलब कैमरा भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जो भी उसका डिवाइस था सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, और यहाँ पर भी आग लगी हुई है यार। भाई बहुत तबाही मची है। और तूने एक चीज नोटिस की, यहाँ से पैसा और गोल्ड चोरी नहीं हुआ है? पैसा और गोल्ड, हाँ पैसा नहीं चुराया किसी ने, बस शेख का वो मेन सामान चुराया है। वही तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये एक बंदे का काम नहीं है, ये जिसने भी किया है भाई पूरा प्लान करके किया है। लग रहा है मेरे को भी कोई बड़ी गैंग का हाथ है इसके शायद। वही तो, अगर कोई गैंग होती तो पैसा लेकर जाती, पैसा और गोल्ड यहीं पे वैसा ही रखा हुआ है। ये ब्रीफकेस किस चीज के पड़े हैं इधर भाई? ये तो मुझे नहीं पता है, पता नहीं, या तो पैसा होगा इसके अंदर या तो कुछ होगा यार, ये पता नहीं। लेकिन वो देखो सामने की साइड लॉकर है और उसी को ओपन करा गया है, उसके अंदर से सामान चुराया हुआ है। और जब भी हम लोग आया करते थे तो आपको याद होगा ये जो येलो कलर के लॉकर के गेट है ये क्लोज हुआ करते थे, और इसके अंदर शेख का मेन सामान था और जो कि सारा का सारा चोरी हो गया है। बस एक वो लैपटॉप से ना भाई, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका है, उसको बंकर का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो सीक्रेट सा बंकर था वो रिवील हो गया, लेकिन पता किसी को भी नहीं चला कि बंकर किसका था। लेकिन अब शेख इधर नहीं रह सकता यार, अब चलें लूसिया के पास चलें, चला चल के बात करते हैं, क्या पता उसे कुछ पता लगा हो। बाकी ना वो जो शॉप का ओनर था ना अपने को जाने नहीं दे रहा था अंदर सीसीटीवी कैमरा फुटेज के लिए। मिल गई ना फुटेज अभी तो, उस बंदे को बेहोश करा, लूसिया निकाल रही होगी फुटेज, मेरे को लग रहा 10-15 मिनट तो हो ही गए हैं अपने को इधर। यार मेरे दिमाग में ना एक चीज आ रही है। क्या यार, तेरा लैपटॉप भी तो चोरी हुआ था ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे लैपटॉप में कोई इन्फॉर्मेशन हो या शेख के बंकर के बारे में? अबे समझ गया मैं, उसके अंदर ना इस लोकेशन की थोड़ी सी वो थी यार, एक फाइल थी, क्योंकि मैं लैपटॉप में ना मैं मेमोरी में सब कुछ रख देता था उसमें। तो ये काम कहीं अंकित ने तो नहीं किया है? अबे ये भी हो सकता है सन्नी और अंकित, क्योंकि तेरा लैपटॉप उनके पास था यार, हो सकता है ये काम सन्नी ने किया हो, क्योंकि लैपटॉप उसी ने लाके दिया है। लैपटॉप तो उसी ने लेके आया, मेरे को लग रहा है यार कुछ ना कुछ इनका हाथ हो सकता है मेन। भाई पता करना पड़ेगा क्योंकि 2 दिन का टाइम है और टाइम निकलते जा रहा है। अबे यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है, एक काम कर सन्नी को कॉल करेगा तू, तब तक यार सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी देखते हैं चल के। ठीक है मैं उसको कॉल करता हूँ। चल ठीक है मैं निकलता हूँ, तू भी आ जा फिर। तो चलो यार, वैसे ना वैसे लॉजिक वाली बात तो है, क्योंकि ना अपना जो लैपटॉप है वो चोरी हो गया था, और जो भी मैं मिशन करता हूँ ना, जो भी लोकेशन पर जाता हूँ वो सारी मैं उस लैपटॉप के अंदर सेव रखता हूँ। अब वो लैपटॉप चोरी हुआ, वो गया था भाई ईगल वगैरह के हाथ में, और सन्नी लेकर के आया, मेरे को लग रहा है ना इनका कुछ ना कुछ तो लिंक हो सकता है। आपको क्या लगता है जरूर से ना कमेंट सेक्शन में बताना है, जरूर से अपना कमेंट। अब जल्दी से मैं आ गया हूँ सीधा बाहर की साइड, तो चलो यार अब जल्दी से ना हम लोग चलते हैं सीधा गैस स्टेशन वाली लोकेशन पर, क्योंकि ना अब देखना होगा कि लूसिया को सीसीटीवी कैमरा फुटेज वगैरह मिली या तो नहीं मिली। वैसे 20 मिनट हो गए हैं शायद से यार, लूसिया ने ना सर्च वगैरह कर ही ली होगी। और एक मिनट, ये देख रहे हो गाइस इधर लूसिया तो पहले इधर आ चुकी है। अबे यार वैसे लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं थी, ये ना पैदल आ गई होगी इधर, और जल्दी से ना इससे ना हम लोग रिकॉर्डिंग वगैरह देख तो रहे। एक मिनट, ये अपने को बता रही है किसको कुछ तो दिखा है उस रिकॉर्डिंग में। अबे ये कह रही है किसको कुछ दिखा है रिकॉर्डिंग में, ये कार के बारे में बोल रही है भाई, ये कौन सी कार की बात कर रही है यार? वो तो मेरे को पता नहीं है, फोटो वगैरह एक बार देखते हैं, इसने ना स्क्रीनशॉट लिया है वो दिखा रही है मेरे को। तो देखो यार आप लोगों ने भी फोटो देख ली होगी, गाड़ी ना पूरी हाईटेक वाली लग रही है, बहुत ज्यादा यूनिक है। तूने भी देख ली ना फोटो गाड़ी की? हाँ कार तो मैंने भी देख ली, और कैप्टन बता रहा था कि यार आसपास के लोग भी ना किसी कार की बात कर रहे थे कि आप यहाँ पे एक रॉकेट वाली कार थी। तो लूसिया ने ना अपने को उस गाड़ी को ट्रेस करा है और लोकेशन बताई है, चला जाए उधर। हाँ चलते हैं कोई दिक्कत नहीं, और मैंने ना सन्नी को भी मैसेज कर दिया है। चल ठीक है फिर, एक काम करते हैं लूसिया यार अपना ना टैक्सी वगैरह में ना घर चली जाएगी, और हम लोग अपने डिफेंडर में चलते हैं, क्योंकि ना उधर सीन लड़ाई का भी हो सकता है, क्योंकि वो जो एरिया है ना वो एक गैंग का एरिया है यार। हमारे पास वेपन तो है ही नहीं, पर
यार पुलिस वालों से मांग ले तेरे पास तो कैप्टन अगर ये देता है तो। ठीक है मैं वेपन लेकर आ रहा हूँ, तू यहीं इंतजार कर, मेरे लिए भी ले लियो वेपन। ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो यार देखो लूसिया तो ना इस टाइम पर अपना टैक्सी वगैरह बुक करके यहाँ से निकल जाएगी, और बाकी ना हमें ना उसने लोकेशन बताई है, उस यूनिक सी हाईटेक वेपन वाली गाड़ी थी, आप वो लोकेशन पर जा करके पता चलेगा। अगर वो वहाँ पर अपने को गाड़ी दिखती है तो समझ जो जो भी उसका ऑनर है या जिसने भी रॉबरी करी है वो अपने को उस लोकेशन पर दिखने वाला है। और ये देखो यार ये तो वेपन ले आया है, मेरे लिए लेकर के आया ना। हाँ बहुत सारे मैंने गन्स वगैरह ले लिया, हो जाएगा चल लड़ाई भी हो सकती है मेरे हिसाब से उधर। यार एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है अभी भी कि आखिरकार शेख के ऊपर अटैक कौन कर सकता है। यार जिस बंदे की गाड़ी होगी मेरे को लग रहा है ना वो कोई बहुत ज्यादा तगड़ी गैंग है पूरे लॉस सैंटोस की। वही तो, नहीं तो भाई शेख इतना पावरफुल है कोई उसके ऊपर हाथ भी नहीं डाल सकता। बाकी ना सन्नी से भी अपने को कंफर्म करना पड़ेगा कहीं ये काम उनका तो नहीं है। पहले ना हम लोग एक गाड़ी वाली लोकेशन पर चलते हैं। ठीक है मैंने उसे मैसेज कर दिया है, जैसे वो मैसेज देखेगा ना भाई मिलने आ जाएगा वो। ठीक है, और वैसे भी यार दो दिन नाम की दो दिन है, एक दिन तो पूरा निकलने वाला है अपना। अगर उन लोगों ने काम किया होगा ना सन्नी और अंकित ने तो पकड़ के ले जाएंगे, पकड़ के शेख के पास लात मार के फेंक दूंगा मैं तो उन दोनों बच्चों को। अब देखा जाएगा शेख उनको दूध पिलाए गोदी में बिठा के कुछ भी कराए वो शेख पे डिपेंड है। ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी की लोकेशन पे चलते हैं। ठीक है गाइस भगाते हैं अपनी गाड़ी को, चलते हैं सीधा उनकी लोकेशन पर। देखो यार इस टाइम पर ना हम लोग अपने डिफेंडर को भगा करके सीधा उस लोकेशन के क्लोज पहुंच गए हैं जहां पर अपने को ना लूसिया ने बोला था कि शायद से तुम्हें वो गाड़ी वहां पर मिल सकती है। अब उसने यही कहीं बोला अपने को नीचे चलूं कि ऊपर की साइड एक बार चलूं। एक काम करते हैं नीचे के साइड चलते हैं ना, क्योंकि नीचे मुझे कुछ गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। अबे वो देख कुछ बंदे हैं कुछ गाड़ियां, ये गैंग का एरिया है यार। काम कर साइड में लगा ले यहीं पे, आगे आगे ना आराम से चलते हैं। फिर मैं इधर पार्क कर चुका हूँ गाड़ी को अपनी। अब तक ये लोकेशन मिली है ना तुझे? हाँ लोकेशन तो बिल्कुल यही बताई है, एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे आया हूँ मैं। और वो देख कुछ बंदे आ रहे हैं अपने को देख करके। भाई ये दोनों गैंग वाले बंदे लग रहे हैं, कोई गन निकालूंगे अपने हाथ में। हाँ रुक जा पहले लड़ाई नहीं करते हैं, आराम से बात करते हैं ना इन लोगों से। देख रहे हो गाइस गाड़ियां बहुत ज्यादा है और ये कोई गैंग के बंदे हैं। और ये देख ले कह रहा है धमकी दे रहा है निकल लो कह रहा है इधर से। देख रहा है भाई एक मिनट तेरी दो मिनट अब तो गया ये यहाँ से बजाया मैंने इसके। देख रहे हो गाइस इस टाइम पर ना मैंने बंदे मार दिए हैं और पीछे से और आगे हैं। अबे कवर में कवर में पहले कवर में कवर में मैं कवर में हूँ। गैंग को मारने दे मुझे, बहुत ज्यादा गंदा पीटूंगा इन्हें मैं। बंदे तो बहुत ज्यादा है यार, ये गैंग की लोकेशन है। चल क्या रहा था भाई इतनी गैंग, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं ये लोग। पिस्टल निकालते हैं यार एक, चल इधर से इधर भी मारो और पीछे से भी आ रहे हैं भाई बंदे। तीन तीन बंदे मार दिए मैंने एक पिस्टल से और अबे लेफ्ट राइट से बंदे आ रहे हैं। जल्दी आजा कवर में, आजा जल्दी आजा मैं कवर करता हूँ तेरे को। मैं आ गया, मैं बस मिनी गन निकाल रहा था। ठीक है देख रहे हो गाइस बंदे कितने ज्यादा हैं यार इस एरिया पर। और मेरे को अब लग रहा है कि जो भी काम है ना शेख की बंकर की लोकेशन इन्होंने ही हैक करी हुई है, बहुत ज्यादा है यार। मैं ना कवर दूसरे से जा रहा हूँ उधर से मारता हूँ जा करके। ठीक है तू पीछे से जा मैं आगे से देखता हूँ। यार बंदे देख रहे हो भाई पूरा झुंड है इस छोटी सी लोकेशन पर। चलो जल्दी से इसको बचाया, अब लास्ट गोली टच हो गई है और एक मिनट पीछे की साइड चल इधर से। और ये बाइक, अरे नहीं एक मिनट यार ये कौन था मेरे को बाइक से टक्कर मार करके जा चुका है। रुक यार अब अगर बेटा आ गया ना ये इसके ऐसा पड़ेगा ना रख करके, ये रहा इसके मैंने बजा दिया है तो चलो धरती पर गिर चुका है वो। अब चलता हूँ मैं और एक बंदा गाड़ी लेकर के आ रहा है। नहीं 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 मेरे को ना जल्दी से यहाँ से जंप करके आगे की साइड चलना चाहिए और बीबी गेमिंग को चल करके कवर करना चाहिए। तो चलो वो रहा सामने, उसने ना सारी गाड़ियां ब्लास्ट कर दी हैं। इन्होंने अपने को धमकी कैसे दी यार, मजा आ गया इनको मार करके। ठीक है बैंड बजा दिया भाई, देख रहे हो गाइस पूरी की पूरी हमने इनकी गेम बजा करके रख दी। और कुछ बंदे ना इस साइड है, रुक जा यार मैं इनको संभालता हूँ। ये देखो यार इतने ज्यादा बंदे थे, हमने इनको ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। और पीछे की साइड और है, बैकअप चाहिए मेरे को। पीछे से टक्कर मार रहे लोग कहाँ पे, अबे ये गाड़ी वाला आ गया। रुक इसको ना पानी में गिरा देता हूँ, चल इधर से। ठीक है यार इसको ना हमने तो पानी के साइड गिरा दिया है। और ये देखो यार बहुत ज्यादा बंदे हैं, हम लोग इनको खत्म करते हैं। चलो यहाँ पर ना इसको भी मारते हैं और एक मिनट ये पूरे, ये देख गाड़ी खड़ी हुई है इधर वही वाली कहाँ पे, एक मिनट एक मिनट में देखी थी RU-28 ये वही गाड़ी है भाई। हाँ ये तो वही कार है ना। अबे मेरे को लग रहा है ना ये जो गैंग है ना इन्होंने ही कुछ ना कुछ करा है, हो सकता है इसीलिए ये लोग यहाँ से जाने के लिए बोल रहे थे और अचानक से अटैक कर दिया इन लोगों ने। तो अब मेरे को लग रहा है जो इनका मेन बॉस है उसका ये काम है बस अपने को ना बॉस को पकड़ना है। कोई दिक्कत नहीं है पहले इन्हें निपटाते हैं, बॉस को भी निपटा देंगे। चलो मार दिया है और एक मिनट बाइक वाला बंदा आ रहा है कोई,
इसको बजाते हैं पहले। चल इधर से। ठीक है यार, इसको हमने बजा दिया है, इसको पूरा देख रहे हो धो करके रख दिया गन से। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि अपने को क्या करना चाहिए और जो इनका बॉस है वो कैसे मिलेगा अपने को। ये रहा क्या अबे ये मेरे को लग रहा है इनका बॉस शायद से। कोई दिक्कत नहीं है, बात कर इससे। इससे बात तो करूंगा, पहले कुछ ज्यादा चौड़े हो रहे थे इसके बंदे, बहुत ज्यादा गंदा बजाया। और एक काम कर, अब खड़ा हो जा, बहुत ज्यादा एक्टिंग हो गई है। चुपचाप से मेरे पीछे आ, ये पुलिस आ रही है क्या? अभी फायर फाइटर वाले हैं। चुपचाप से आ जा मेरे पास, मैं उन्हें देखता हूं, तू इस बंदे से बात कर। चल ठीक है, देख रहे हो गाइस फाइनली अपने को बॉस मिल गया। लेकिन एक मिनट और, पे भाई ये क्या हो रहा है? नहीं 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 भाई, यहां पे ब्लास्ट हो गया। भागने नहीं मैं दूंगा, इसकी कोई चालाकी लग रही है। रुक जा, कहां गया ये? ये रहा ये रहा ये रहा, बजा दूंगा मैं हेडशॉट। चुपचाप से मेरे पीछे आ। अब ये जो गाड़ी है ये तेरी ही गाड़ी है ना? सही सही बता दे, नहीं तो ऐसी गन बजेगी ना इसके। इसको यार यार ये मना कर रहा है भाई, झूठ बोल रहा है। मुझे लग रहा है झूठ बोल रहा है बंदा। के पास लेकर के चलूंगा, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है भाई। बता दे, अभी भी तेरे पास टाइम है। सही में बोल रहा हूँ, लेकिन यार ये कह रहा है कि इसने नहीं करा है काम। ये कह रहा है, एक मिनट, ये बंदा बोल रहा है कि यहाँ पे जिसका भी काम था ना भाई, वो टो ट्रक भेजने वाला है अपना। टो ट्रक भेजने वाला अपना वो बंदा इस गाड़ी के लिए। इन्हें पैसे मिले थे बस इस गाड़ी को बचाने के। अगर ये सच बोल रहा है तो हमें वेट करना चाहिए, जो भी टो ट्रक आएगा उसका पीछा करेंगे और वो शायद से लेके जाएगा ओनर के पास। ठीक है, इसको निपटाते हैं भाई, ये बंदा काम का नहीं है। 3, 2, 1 चलो यार, खत्म। इसको बचा दिया हमने। और बाकी ना, इस बंदे ने अपने को एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पर ना कोई टो ट्रक आने वाला है जो कि इस गाड़ी को टो करेगा, और जो इस गाड़ी का ऑनर है उसने इसको पैसे दिए थे। अब यार मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। और एक सेकंड, वो देख सामने टो ट्रक आ रहा है। एक कवर में, कवर में हो जाते हैं, कवर में हो जाते हैं चुपचाप से। मैं आ चुका हूं कवर में। इसको बजाऊं? अभी नहीं बजाता यार इसको। ना ना ना, मार मत मार मत, हम फॉलो करेंगे, वो जा गाड़ी। बाकी ना यार, वो डर ना जाए इतनी ज्यादा डेड बॉडीज वगैरह देख करके। कोई दिक्कत नहीं है, उसको पहले से शायद पता होगा यहाँ पे क्या होने वाला है। वो आ गया, आ गया। रुक यार, नॉर्मल रखते हैं, ठीक है। मैं ना यार थोड़ा सा ना पानी के बीच में जा रहा हूँ, क्योंकि जो खून के छींटे हैं भाई ज्यादा लग चुके हैं। ठीक है, तू जा, मैं ऊपर देखता हूँ उसे। चलो गाइस, इस टाइम पर जो अपने कपड़े हैं वो ना अभी साफ हो जाएंगे। तब तक ना सामने की साइड देख रहे हो, वो जो टो ट्रक वाला बंदा है वो आ गया है और उसने ना गाड़ी को अटैच कर लिया है। इससे गाड़ी निकाली है उसने, गाड़ी अटैच कर रहा है वो। डिफेंडर तक चलते हैं यार अपनी। ठीक है पीछे पीछे चलते हैं, मैं उस पे नजर रख रहा हूँ। ठीक है वो देख लो गाइस, वो बंदा ना अटैच करने में लगा हुआ है उसको। अब जल्दी से ना हम लोग चलते हैं सीधा अपनी डिफेंडर में। तो देखो गाइस, इस टाइम पर ना हम लोग अपनी डिफेंडर तक तो आ गए हैं, और वो देखो यार जो टो ट्रक है वो गाड़ी को अटैच करके यहाँ से निकल रहा है। अब अपने को ना इसको फॉलो करना होगा। अब ये देखना होगा कि ये ना गाड़ी को लेकर के कहाँ पर जा रहा है। पहले से जाने देते हैं, इसे शक ना हो जाए। वही तो, बाकी इसने इतने ज्यादा बंदे देख लिए हैं, कुछ ना कुछ तो इसके दिमाग में चल ही रहा होगा यार। भाई इसे लेकर कहाँ जा रहा है यार, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। पता ही नहीं चल रहा मेरे को तो खुद कहाँ जा रहा है। देख रहे हो गाइस, यहाँ पर ना क्या सीन है, ये जो गाड़ी है पूरी की पूरी खराब हो चुकी है, और जो भी इस गाड़ी का ऑनर था। और ये देख, एक मिनट, ये पीछे की साइड बंदे जा रहे हैं उसको फॉलो करते करते। ये तो मुझे कोई गैंग वाले बंदे ही लग रहे हैं यार। मेरे को तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि कहानी क्या चल रही है। और एक मिनट, ये टो ट्रक को रोक रहे हैं शायद से, हो सकता है चोरी करने की कोशिश कर रहे हो। पता नहीं यार क्या उसको धुएं में मजा आ रहा है। वो देख सामने की साइड पता नहीं क्या करने की ट्राई कर रहा है। तो एक मिनट, ये क्या हो रहा है पता नहीं भाई। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना थोड़ा सा आगे की साइड चल के थोड़ा बहुत चेक करते हैं। लेकिन ओपे, ये तो खुद गैंग वाला है कोई। ठीक है आगे निकलते हैं, हम लोग पता नहीं भाई क्या सीन चल रहा है। तो ठीक है गाइस, हम लोग ना बस ये देखते हैं कि वो जो टो ट्रक है वो कहाँ पर जा रहा है उस गाड़ी को लेकर के। और जैसा कि उस बंदे ने अपने को बताया था ना, जो अभी अभी हमने लीडर मारा जिस गैंग का, वो कह रहा था कि जो भी उस गाड़ी का ऑनर है उसने उसको पैसे दिए हैं उसको प्रोटेक्ट करने के। तो उन्होंने प्रोटेक्ट करी, अब ये देखना होगा कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। देखो यार, पूरे 20 या 25 मिनट हो गए हैं इस गाड़ी को फॉलो करते करते इस टो ट्रक के साथ, और पता नहीं यार ये कहाँ पर जाना चाह रहा है। इतना टाइम हो गया ना, अभी तक तो इसकी कोई डेस्टिनेशन ही नहीं मिली है हमें। और एक मिनट बगल में गराज है, फ्लाई व्हील्स गराज लिखा है इधर। मेरे को लग रहा है यहाँ पर सर्विस करवाएगा क्या इस गाड़ी की। साइड में लगा देता हूँ, इसे साइड में लगा ले रहा हूँ। यहाँ पर देख रहे हो गाइस, सामने की साइड ना दो बंदे खड़े हुए हैं, और ये जो बंदा है उनसे जा करके बातचीत कर रहा है। मैं कह रहा हूँ पीछे की साइड इन्वेस्टिगेशन करके आऊँ मैं थोड़ी। हाँ तू पीछे से जा, मैं आगे से देखता हूँ। ठीक है बस देखियो, अगर कुछ भी इधर हलचल होती है तो बता दियो। ठीक है। ये देख रहे हो गाइस, मेरे हाथ में गन है, और बाकी ना अगर कुछ भी यहाँ पर हुआ मैं सही में इनको बचा दूंगा। देखो गाइस, इस टाइम पर मेरी बीबी गेमिंग से पूरी बात हो गई है। इसने मेरे को बताया कि ये जो गाड़ी है ना इसको रिपेयर होने में लगेंगे पूरे 8 घंटे।
अब यार अपने पास है 2 दिन और टाइम देखो एक बार इधर, टाइम हो रहे हैं अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर 8 घंटे वेट करेंगे तो 1 दिन पूरा वेस्ट हो जाएगा और बचेगा कल का दिन। तो इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने बोला तो एक काम कर, अब मेरा प्लान सुन। ये कह रहा कि ठीक है बता। तो मैंने इसको बोल दिया कि तू ना यहाँ पर इस गाड़ी के ऑनर का वेट कर। और मैंने ना अपने ट्रैवल फ्रेंड को कॉल करा और उसको बोला कि मैं तेरी एयरफील्ड के बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, यहाँ पर कोई अपने को प्लेन या हेलीकॉप्टर का जुगाड़ लग जाएगा क्या? तो उसने बोला हाँ मेरा रोन फ्रेंड ना बिल्कुल यहाँ पर ही है और अपने को ना गाइस इस टाइम पर हेलीकॉप्टर लेकर के निकलना होगा सीधा लिबर्टी सिटी में। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, मेरे को पता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्लान ए अपने पास है, ठीक है, कि अपने को उस ऑनर को पकड़ना है और अगर ऑनर नहीं पकड़ा गया तो हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते ना शेख के सामने। तो प्लान बी तुम्हारे भाई ने बनाया है। मैं चलने वाला हूँ इस टाइम पर लिबर्टी सिटी पे और वहाँ जा करके ना अपने लिए बॉडीगार्ड्स और कुछ बुलेट प्रूफ व्हीकल्स मैं लेकर के आने वाला हूँ। तो ठीक है गाइस, प्लान ए बीबी संभाल रहा है, प्लान बी मैं संभाल रहा हूँ, तो दिक्कत की बात नहीं है। वैसे जो प्लान ए है वो बीबी गेमिंग संभाल रहा है, प्लान बी को मैं संभाल रहा हूँ। और देखो जब वो ऑनर आएगा ना गाड़ी का 8 घंटे के बाद, तो बीबी गेमिंग को मैंने बोल दिया कि तेरे को उसका पीछा करना है और ट्राई करना है कि उसको पकड़ करके रख जब तक मैं नहीं आ जाता। और हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तब तक यार हम लोग वेस्ट टाइम को नहीं करेंगे। तो मैं अपनी बॉडीगार्ड्स वगैरह की पूरी टीम लेकर के आ जाऊँगा, वेपन्स वगैरह लेकर के आ जाऊँगा लिबर्टी सिटी से। भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा सीन हो जाएगा अगर वो ऑनर अपने को नहीं मिलता है ना, तब यार हमें शेख को मारना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए अपनी जान बचाने के लिए। तो ठीक है भगाते हैं अपने हेलीकॉप्टर को, चलते हैं सीधा लिबर्टी सिटी के लिए। देखो गाइस यार इस टाइम पर ना हम लोग 1-2 घंटे में पहुंच गए हैं हेलीकॉप्टर लेकर के सीधा अपनी लिबर्टी सिटी में। और बाकी ना देख रहे हो ये जो हेलीकॉप्टर, इसको मैंने इतनी ज़्यादा स्पीड में भगाया है ना, अब मैं क्या ही बोलूं। अब अपने को जाना है उस लोकेशन पर, आपको पता होगा यहाँ पर अपना फ्रेंड रहता है जिसने अपने को अपनी ग्रीन सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई थी, लेकिन वो पहले ग्रीन नहीं थी, वो नॉर्मल सिक्योरिटी थी। और उनकी जो आउटफिट है वो तुम्हारे भाई ने डिज़ाइन करी थी और उसको देख करके भाई पूरी तबाही सी मच गई थी, जिसको देखो भाई अब क्या ही बोलूं, सब लोग वही यूज़ करने लगे। तो सही है यार, तो चलो अब जल्दी से ना इधर से हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को लेकर के चलते हैं सीधा उसी लोकेशन पर जो कि अपना फ्रेंड है। और आपको पता होगा यहाँ से अपने फ्रेंड बीबी गेमिंग ने भी सिक्योरिटी वगैरह परचेज करी थी जहाँ पर मैं जाने वाला हूँ। अब यहाँ से हम लोग भगाते हैं इस हेलीकॉप्टर को, चलते हैं सीधा उस लोकेशन पर। और ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है मैं उस लोकेशन पर पहुँच ही चुका हूँ ना, वो ज़्यादा दूर नहीं थी यार। जैसे ये सिटी है, सिटी के क्लोज एक बीच है, उसके अंदर एक टनल है, बिल्कुल वहीं पर लोकेशन थी। तो ठीक है यार, मेरे को लग रहा है मैं क्लोज हूँ लेकिन अभी मिलने पर नहीं आ रही है। मैं ना पहले काम करता हूँ, अपने हेलीकॉप्टर को ना कहीं पर पार्क कर देता हूँ और कोई व्हीकल चुरा करके चलता हूँ यार, ये सिस्टम पूरा सही रहेगा। एक काम करते हैं यार, ठीक है ऐसे करते हैं। बाकी अपने हेलीकॉप्टर को मैं कहाँ पर लैंड करवाऊँ, किसी बिल्डिंग के ऊपर करवा दूँ क्या? मेरे हिसाब से आगे की साइड एक जगह है, वहाँ पर ले जा करके ना उधर पार्क करवाता हूँ उस हेलीकॉप्टर को, क्योंकि ये गाइस रॉन का हेलीकॉप्टर है। हम लोग ना जो सिक्योरिटी परचेज करेंगे उनको एक्स्ट्रा पेमेंट दे देंगे, लोकेशन बता देंगे इस हेलीकॉप्टर की और वो लोग ना इसको ले जाएंगे इधर से आकर के। बाकी मेरे को कोई जगह नहीं मिल रही है ढंग से, ये सही रहेगी मेरे को लग रहा है। ठीक है यार, ये जो आगे की साइड एक लोकेशन देख रहे हो, बिल्कुल खाली सी तो नहीं कह सकते लेकिन चलेगा यार ये लोकेशन। यहाँ पर ले जा करके ना इस हेलीकॉप्टर को मैं लैंड करवा देने वाला हूँ। चलो अब जल्दी से ना मैं इसको यहाँ पर लैंड करवा देता हूँ। और ये परफेक्ट लैंडिंग तुम्हारे भाई ने कर दिया है, तुम्हें पता ही है यार लैंडिंग तो मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट कर देता हूँ, हेलीकॉप्टर को चलाना तो बाएं हाथ का खेल है मेरा। अब बाकी जो लोकेशन है ना वो जस्ट ऐसी ही थी, लेकिन ये वो लोकेशन नहीं एग्जैक्ट। मैंने काम करता हूँ पहले ना डायरेक्ट उस लोकेशन पर चलते हैं और फिर वहाँ पर जा करके उस मैनेजर को कॉल कर लूँगा मैं। लेकिन यार अपने को सबसे पहले ना कोई व्हीकल वगैरह चुराना होगा, बाइक मिल जाती कोई, और भाई बाइक जा रही है, रुको रुको रुको, गाड़ी चुराते हैं यार बाइक वगैरह तो क्या करेंगे, रुक जा यार। अरे एक अबे यार अब तो तू गया, अब तो ये गया गाइस, ये देखो इसकी ना जल्दी से ना चुराते हैं हम लोग इसकी गाड़ी। और पागल है ये बंदा, कौन था पता नहीं भाई, बाईसाइकिल लेकर क्या करने की ट्राई कर रहा था। ठीक है मैंने उसकी गाड़ी चुरा ली है, बाकी पुलिस वगैरह आएगी तो हम लोग क्या ही करेंगे भाई, बचते रहेंगे भागते रहेंगे। एक बार ना मैं बस उस सिक्योरिटी वाली लोकेशन तक पहुंच जाऊं, यहां से अब मेरे को याद है कि कहां जाना है अपने को। ठीक है भगाता हूं इस गाड़ी को, चलते हैं सीधा उसी लोकेशन पर। ओके तो गाइस अब मेरे को ना रास्ते वगैरह तो मालूम चल ही चुके थे और मैं ना इस गाड़ी को लेकर के सीधा जा रहा हूं उस लोकेशन के क्लोज। अरे सॉरी यार गलती से टक्कर लग गई। और ये देखो यार सामने की साइड जो टनल थी वो है सामने, और अपने को जाना होगा इधर से। लेकिन एक सेकेंड, ये क्या इधर डू नॉट क्रॉस लिखा हुआ है,
और ये जो टनल थी ये क्लोज कर दी गई है हमेशा के लिए। अबे यार ये देख रहे हो, पता नहीं भाई, एक मिनट, ये जो मैम कह रही है कि यहाँ कोई भी फायदा नहीं है, यहाँ पर ना रेड पड़ी थी पुलिस की। अरे भाई मैं तो सिक्योरिटी लेने के लिए आया था और वो बंदे ने अपनी शॉप ही क्लोज कर दिए है और पुलिस की रेड पड़ी थी जिस करके क्लोज है। तो एक काम करता हूँ यार, मैं ना उस बंदे को कॉल करता हूँ और बोलता हूँ कि भाई मेरे को सिक्योरिटी का तो कुछ कर, मेरे को चाहिए भाई, मेरी लड़ाई है तगड़े वाली। देखो गाइस मेरी उस बंदे से होगी बात, तो वो कह रहा है मयंक बोल रहे हो, मैंने कहा मैं तो मयंक बोल रहा हूँ, तो कह रहा है कि ठीक है मैं समझ गया हूँ तुम्हें सिक्योरिटी ही चाहिए होगी, लास्ट टाइम तुम्हारा फ्रेंड लेकर के गया था। तो वो कह रहा है कि तुम वहाँ वेट करो, मेरा ना एक फ्रेंड आ रहा है बाइक लेकर के, बस तुम चुपचाप से उसकी बाइक के पीछे बैठ जाना और वो तुम्हें ना हमारी न्यू लोकेशन पर लेकर के आ जाएगा। ओ भाई पुरानी पर रेड पड़ी तो उन्होंने न्यू खोल लिया है, और इनका लीगल काम नहीं है इलीगल काम है, तो पूरे लिबर्टी सिटी को पता है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है यार अब जल्दी से ना हम लोग एक काम करते हैं, तुम्हारे पास बाइक भेजते हैं। और 10 मिनट हो गए हैं मेरे को लग रहा है मेरे को वेट करते करते, लेकिन बाइक वाला बंदा यहाँ पर नहीं आया अभी। पता नहीं वो किस वाली लोकेशन से आएगा, लेफ्ट से आएगा या तो राइट से। लेकिन एक सेकेंड, ये आ गया वो बंदा। ओ भाई मैं मयंक हूँ, चलो अब जल्दी से ना गाइस इसकी बाइक के पीछे मैं बैठ तो गया हूँ, और ये इस टाइम पर ना अपने को लेकर के जा रहा है सीधा इनकी न्यू वाली लोकेशन पर, और मैंने इसको अपना नाम वगैरह तो बता दिया है। और ये भाई लिबर्टी के जो बंदे हैं ना, मैं सही में बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अमेजिंग ड्राइवर होते हैं, मार भी यही खाते हैं गिर उड़ के, लेकिन ट्राई तो पूरी करते हैं भाई भगाने की। इसको देख लो, पता नहीं भाई ऐसा फीलिंग ले रहा ना जैसे पता नहीं कितनी ट्रॉफियां वगैरह जीत चुका है रेसिंग टूर्नामेंट में। इसको ये नहीं पता कि इतना तगड़ा रेसर इसके पीछे बैठा हुआ है बाइक पे। तो चलो उसको भी मजे करने देते हैं और सीधा चलते हैं उस लोकेशन पर। देख रहे हो गाइस वेदर भी बदल चुका है इस एरिया का। एक तो ना लिबर्टी का जो वेदर है, कभी भी यार धूप आ जाती है, कभी भी छाई हो जाती है, और एक वहाँ पे गिरा देगा क्या भाई, क्या भगा रहा है बाइक को। और ये कह रहा है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, हम लोग जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। अबे यार ये क्या फुल स्पीड में भगाने में लगा हुआ है और कट मार रहा बंदों के पैरों के पास से घुमा दे रहा बाइक को। देख रहे हो पूरी नागिन बना रखी है इसने बाइक, अभी मेरे को लग रहा है ठोक ना दे यार ये तो। और एक मिनट ये कहाँ लेकर के जाने की ट्राई कर रहा है यार बाइक के साथ अपने को। नीचे की साइड एक टनल है, यहाँ पर जाना है क्या अपने को? ठीक है यार, ये कह रहा है कि सर आप नीचे की साइड चले जाओ, आपको रास्ता मिल जाएगा और अपना जो न्यू बेस है वो वहीं पर है, मैं तो यहाँ से चलता हूँ। तो चलो यार अब जल्दी से ना हम लोग बाइक से तो उतर गए हैं, चलते हैं सीधा नीचे की साइड। तो चलो यार इस टाइम पर ना वो जो बाइक वाला बंदा है अपने को ना यहाँ पर ड्रॉप करके तो जा चुका है, और ये देख रहे हो गाइस अपने को बिल्कुल इस ब्रिज से नीचे की साइड उतरना होगा। और यहाँ पर ना मेरे को उतरते उतरते कुछ सामान दिख रहा है, और ये जो लोकेशन है आपको याद होगा ना उस बंदे की ही है, ये न्यू लोकेशन है। और एक मिनट यार ये क्या है इधर, ये देखो भाई कितने ज़्यादा बॉडीगार्ड्स हैं इधर, और इस साइड को वेपन्स हैं, सामने की साइड इनके क्लोथ्स वगैरह रखे हुए हैं। और क्या हाल है भाई तेरा, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा यार तेरे से मिल करके। और अपने को इस टाइम पर क्या करना है यार, हमें देख झुंड में तो पहले बॉडीगार्ड चाहिए ठीक है। और ये कह रहा है कि देखिए इसकी न्यू सीक्रेट सी लोकेशन है, बाकी ना ये अपने ठिकाने चेंज करता ही रहता है, और ये इस बंदे का पार्टनर है। क्या हाल है सर, बढ़िया लगा। और भाई मेरे को लग रहा है ना यहाँ पर कुछ ज़्यादा तगड़ी डील हुई है शायद से, अभी पता नहीं यार कुछ भी है, लेकिन यहाँ पर एक बार नज़र मारो गाइस, एक बंदा इधर है, बाकी ना इधर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड है। अब बाकी इनका काम ही यही है कि इनको इधर उधर जाना है कंट्री में, और जिस भी बंदे ने इनको खरीदा है प्रोटेक्ट करना है इनको। और एक मिनट ये देख रहा हूँ राइट साइड में वेस्ट रखे हुए हैं, अबे यार ये बहुत ज़्यादा तगड़े तगड़े आर्मर हैं, सबके सब बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ये जो बंदा है ये कह रहा है कि तुम बॉडीगार्ड्स ले रहे हो, साथ के साथ तुम आर्मर वगैरह भी लो। नहीं यार आर्मर की तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना मेरे पास बहुत ज़्यादा बढ़िया कॉस्ट्यूम है ग्रीन कलर की, बहुत ज़्यादा तगड़ी है। और ये देख रहे हो गाइस वेपन भी बहुत ज़्यादा तगड़े तगड़े हैं, गोल्डन मिनी गन है नीचे की साइड। अबे यार गोल्डन मिनी गन भाई बहुत ज़्यादा रेयर है, और यहाँ पर इतने ज़्यादा एमओ है, वेपन्स हैं, वेस्ट हैं, बाकी अपने को ना वेपन्स वगैरह तो अब भी फिलहाल कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भाई के पास है हाईटेक वेपन्स। और इधर है कुछ कॉस्ट्यूम्स जो कि हम लोग इनको कस्टमाइज करके पहना सकते हैं, लेकिन कॉस्ट्यूम भी अपने को नहीं चाहिए, अपने को जस्ट यार बॉडी गार्ड्स चाहिए। देख भाई इतने से काम नहीं चलने वाला, भाई मेरी बात सुन यार मैनेजर, तू एक काम कर, जितने भी इधर बंदे 8 खड़े हैं तू भाई गिन के मत भेज, मेरे लॉस सैंटोस के एड्रेस पर भेज दियो ठीक है, मैलू भी मेंशन का एड्रेस है,
जैसे मर्जी भेज दियो, अपने हिसाब से भेज दियो। अब की बार ना गाइस हम लोग ना गिन करके नहीं लेकर के जाएंगे, अब की हम लोग ना झुंड में पूरे बॉडीगार्ड लेकर के जाएंगे। अब देखो गाइस मेरी ना इस बंदे से बातचीत तो हो गई है और ये बंदा कह रहा है कि देखो आपने बॉडीगार्ड्स तो लिए और तू तो मेरा पुराना फ्रेंड है, तूने अपने फ्रेंड को भी इधर भेजा था, उसको भी तगड़े बॉडीगार्ड्स मिले, और ये कह रहा ना एक बार ना तुम्हें हमारे व्हीकल भी देखने चाहिए जो कि पूरे फुली बुलेट प्रूफ है। इन पे यार फ्लेम थ्रोवर वाला व्हीकल है, कोई जेट भी है इन पे। ठीक है यार एक बार ना देख लेते हैं। और मैंने इसको बोल दिया है कि ना मेरी एक बहुत ज़्यादा तगड़े बंदे से फाइट भी है, तो कह रहा है कि यार किसी से भी फाइट हो, ये जो सिक्योरिटी है ना ये फुली ट्रेंड है भाई, बहुत ज़्यादा बंदों को इन्होंने मारा है, बड़े बड़े माफिया को ख़त्म करा है। कह रहा है कि जो भी तेरा दुश्मन है वो धूल चाटता फिरेगा। तो चलो अब जल्दी से ना मैं अब इस बंदे को फॉलो करते करते चल रहा हूँ। इनकी एक लोकेशन है कोई जहाँ पर इनके व्हीकल वगैरह खड़े हुए हैं, और यहाँ कौन सी लोकेशन है भाई, यहाँ से जाना है क्या अपने को? भाई ये कौन सी लोकेशन है, ट्रेन ना आ जाए भाई कुचल करके चली जाएगी। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर कुछ बाइक्स खड़ी हैं, बाइक के ऊपर बैठना है क्या? मेरे को लग रहा है कि अपने को यहाँ से ना बाइक लेकर के कहीं पर जाना होगा। तो ठीक है इस टाइम पर मैं इस बाइक पे बैठ गया हूँ और अपने को ना अब क्या करना है, इस बंदे को फॉलो करना होगा इस बाइक को लेकर के। ठीक है, वो बाइक तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है यार, और अपने को, अरे एक मिनट यार मैं तो आगे की साइड निकल गया था, लेकिन अरे 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 कुछ हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं देखा आपने। तो चलो अब जल्दी से इधर से निकलते हैं सीधा आगे की साइड। और ये देख रहे हो यार हार्ले डेविडसन है, बहुत ज़्यादा तगड़ा मस्कुलर बाइक है अपने पास दोनों के दोनों, और जिसका एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा तगड़ा है। ठीक है भाई अपने को ना इस बंदे को फॉलो करके सीधा चलना होगा इनकी व्हीकल वाली लोकेशन पर। और यार पता नहीं इन पे व्हीकल कौन कौन से होने वाले हैं। ये बंदा बोल तो रहा है कि इसके पास है एक फ्लेम थ्रोवर वाला व्हीकल और एक है जेट जो कि पूरा फुली बुलेट प्रूफ है, जो कि मिसाइल्स वगैरह लॉन्च करता है। अगर एक बार ना अपने हाथ में वो व्हीकल आ गए तो समझ रहे हो जो शेख है उसकी तो हम लोग गेम चुटकियों में बजा देंगे। और ये कहाँ जाना, ओ भाई एक मिनट, अरे मेरे को पता नहीं था भाई कि इधर जंप भी हो सकती है, लेकिन अरे भाई मैं तो बच गया हूँ। और वो बंदा कहाँ गया यार, वो रहा मैनेजर, वो रहा। ठीक है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, ये तो ज़्यादा जोश में नहीं आ गया था। अब इसको पता था कि आज इनकी मोटी कमाई होने वाली है, व्हीकल भी ये चिपकाने को ट्राई कर रहा है और बॉडी गार्ड्स भी इनके आज मैं पूरे बल्क में खरीदने वाला हूँ। तो ठीक है गाइस ये बंदे बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। अब जल्दी से ना हम लोग अपनी बाइक्स को भगा करके चलते हैं सीधा इनकी लोकेशन पर। अब देखो गाइस यार बहुत ज़्यादा टाइम से ना मैं इस मैनेजर को फॉलो करता जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि जाना कहाँ पर है। लेकिन एक मिनट, अबे यार ये मौसम को क्या हो गया अचानक से, मेरे को लग रहा है ना यार लिबर्टी सिटी का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, और ये तो बहुत ज़्यादा बारिश वाला मौसम नहीं हो गया है। लेकिन सही में यार मेरे को ऐसा वेदर बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। और एक मिनट, ये मैं किसी लोकेशन पर पहुंच गया हूँ, यहाँ पर जाना है क्या मैनेजर? एक पर नज़र तो मारो गाइस, यहाँ पर स्टेयर्स लगी हुई हैं। तो अब जल्दी से ना चलते हैं सीधा ऊपर की साइड, और मेरे को इतने ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ना। और ये देखो यार, ओ भाई आगे की साइड कितने ज़्यादा तगड़े तगड़े व्हीकल्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ टैंक्स हैं, राइट में एक प्लेन है। अरे तब भी तो ये लोग बोल रहे थे कि आप लोग हमारे एक बार व्हीकल्स भी देख करके आओ, और इनको गार्ड कर रहे हैं इस टाइम पर इनके खतरनाक वाले सिक्योरिटी मेंबर। और अब जल्दी से हम लोग ना नीचे की साइड चलते हैं, ये ना भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा एरिया लग रहा है मेरे को, और एक एक व्हीकल बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और इसने ना अपने को कोई फ्लेम वाला बताया था, वो कहाँ पर हो सकता है? लेकिन सामने की साइड नज़र मार रहे हो, कितने खतरनाक है। मन तो कर रहा ना सारे के सारे मैं ले जाऊँ इधर से और जा कर के शेख की गेम बजा दूँ, लेकिन ऐसा लगता है कभी कभी वो एक ही झटके में सबको ना उड़ा दे। और इस टैंक को देखो भाई कितना ज़्यादा अमेजिंग है, और ये जो माइक लिखा है, अरे ये भी अमेजिंग है यार। अब बता यार मैनेजर की अपने को कौन सा बेस्ट रहेगा सबसे, ग्रीन कलर का क्या? एक मिनट, अपनी सिक्योरिटी ग्रीन कलर की है समझ रहे हो, अगर इसको चला करके देख सकता हूँ क्या मैं? चलाते हैं यार, मैं तो सोच रहा हूँ ये तो क्या ही बोलेगा, हम लोग इसके डेली वाले कस्टमर एक टाइप के। देखो गाइस इस टाइम पर ना मैं इस टैंक में बैठ गया हूँ, और ये जो मैनेजर है ये बैठ गया येलो वाले में, मतलब कह रहा है कि बस कलर का डिफरेंस है, दोनों सेम टू सेम है। ठीक है अब बाकी ना हम लोग यहाँ से आगे की साइड लेकर के चलते हैं। ओ भाई टैंक के अंदर एग्जॉस्ट कौन लगाता है, पहले तो मेरे को ये चीज़ समझा दो। और एक मिनट ये क्या करने जा रहा है इधर, एक सेकंड, ये डैमो के लिए व्हीकल है क्या? हम लोग इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? ओ भाई एक मिनट, ओ रे भाई ये देखो
इसने एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया है। मैं इसको करके देखूंगा एक बार। चलो देखो यार, इस टाइम पर मैंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है यार। बहुत ज्यादा तगड़ा टैंक है यार ये सही में। यार मैं तो इसको बुक करने वाला हूँ ग्रीन कलर वाले को, बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। अगर और भी अपने फ्रेंड बैठे ना तो पीछे की साइड एक मशीन गन है, ये लोग इससे गन वगैरह चला सकते हैं। और बाकी यार और क्या तगड़ी चीज दिखने वाली है अपने को इधर। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक भी है क्या ये? उसकी गन तो देखो गाइज एक बार, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुकी है उसकी गन। बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसमें भी फीचर होगा अगर इसमें है तो ठीक है। अब सेकंड चीज़ ये बंदा कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ है, इसको भी उड़ा करके देख सकते हैं। ये सिंगल सीटेड है ना? हाँ यार, इतना ज़्यादा खतरनाक है तो सिंगल सीटेड ही होगा। तो एक काम करता हूँ, जल्दी से ना इसके अंदर चल करके अब मैं बैठता हूँ और उड़ाने की इसको ट्राई करते हैं। तो चलो गाइस, अब मैं जैसे तैसे ना इसके अंदर आ करके तो बैठ गया हूँ और अब मैं इसको ना उड़ाने वाला हूँ। ये कुछ करेगा लेकिन मेरे को टैंक कुछ ज़्यादा तगड़ा लगा ही इनसे। अब चलो इसको ना ऊपर की साइड उड़ाते हैं। और एक मिनट, टायर वगैरह मैंने इसके तो अंदर की साइड कर लिए हैं। और ये भाई कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, एक बार लुक तो देखो इसकी। इसके अंदर ना ऑटोमेटिक एक लॉन्चर है। रुको, मैं ना इसको पहले चुपचाप से बाहर की साइड निकाल लेता हूँ। आराम से निकालना होगा यार इसको। देखो यार, इसको ना मैंने बाहर की साइड तो निकाल लिया है उस एरिया से। और ये देखो यार, बहुत ज़्यादा तगड़ा ये जेट है। और इससे ना मैं अभी तबाही नहीं करूँगा सही में। और ये देखो, मैंने एक बटन को प्रेस करा, धमाका कर रहा है यार। इसको मैं ना किसी नॉर्मल पब्लिक को परेशान नहीं करूँगा, उसकी जान नहीं लूँगा। इसको बस आसमान में चलाने वाले हैं हम लोग। देख रहे हो, एक बार में 3 मिसाइल्स लॉन्च करता है। 1, 2, 3। अरे भाई, अनलिमिटेड मार रहा है क्या? मेरे को लगा कि 3 करेगा ओनली, लेकिन नहीं यार, ये तो अनलिमिटेड मार रहा है। ठीक है। अब जल्दी से ना इसको आगे की साइड लेकर के चलते हैं। और उस बंदे ने बोला था इसमें एक बटन दबाओगे तो ये बदल जाएगा। बटन को प्रेस कर दिया मैंने, लेकिन एक मिनट, ये क्या हो रहा है इसको? अबे ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है, एक दूसरा प्लेन बन गया है ये नॉर्मल वाला उड़ने के लिए। इसमें ये सब भी है क्या? ये तो मेरे को बिल्कुल भी मालूम नहीं था। अबे यार, ये तो मैं पक्का लेने वाला हूँ। देख रहे हो गाइस, कितना ज़्यादा अमेजिंग ये प्लेन है। एक वो ग्रीन टैंक लेने वाला हूँ, एक मैं इसको लेने वाला हूँ। तो ठीक है, अब वापस से ना इसको मैं नॉर्मल कर लेने वाला हूँ। अब इसकी जो पेमेंट है ना ऑनलाइन करते हैं। इसको जल्दी से ना गाइस इधर ले जा करके मैं पार्क कर देता हूँ। बाकी यार, जो मिसाइल्स हैं ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आप लोग जल्दी से बताओ 10 में से कितने नंबर दोगे इसको? मैं तो भाई 10 में से 11 देने वाला हूँ सही में, इतना ज़्यादा मजा आया मेरे को इसको चला के। अब जल्दी से ना इसको लेकर के चलते हैं सीधा नीचे की साइड और उनसे ना एक बार बातचीत करते हैं कि कितना प्राइस हुआ और क्या सीन है। तो ठीक है यार, इसको आराम से मैं उतारने वाला हूँ प्यार से। चलो, ये जगह तो पूरी परफेक्ट लग रही है, ज़्यादा पेड़ वगैरह भी नहीं है इधर। तो मैंने इसको ना यहाँ पर लैंड तो करवा दिया है। तो ठीक है, अब जल्दी से ना इससे उतरते हैं हम लोग। बाकी तो मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसको उड़ा करके। इसको परचेज़ करते हैं और बाकी वो जो टैंक था उसको परचेज़ करते हैं। और एक तो भाग करके जाना पड़ेगा यार, जो एंट्री है वो सामने की साइड है। तो चलो यार, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, हम लोग ना इधर से भाग करके चलते हैं सीधा उस बंदे के पास और डील करते हैं। चलो यार, मैं अंदर की साइड तो आ गया हूँ भाग करके। और बाकी देख रहे हो यार, जो ग्रीन कलर का टैंक है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और वो जो जेट है वो भी अमेजिंग है। और एक को मेरे को और ड्राइव करके देखना था। वैसे बजट नहीं है इस टाइम पर ज़्यादा, लेकिन इसमें बैठ करके देखते हैं। इसके अंदर मैं बैठ गया हूँ, ये कुछ करता है? अरे मेरे को लग रहा है ये ज़्यादा कुछ भी नहीं करता, लेकिन ये टैंक नॉर्मल है, इसकी स्पीड अमेजिंग है। ठीक है, पता नहीं, ये वैसे ना ऑफ रोड में बहुत ज़्यादा बढ़िया आएगा यार काम। इससे उतरते हैं भाई, ये कुछ स्पीड में ही है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब जल्दी से ना बिना टाइम वेस्ट करे इसकी पेमेंट करते हैं। लेकिन पीछे की साइड आपने देखा क्या? इसका डोर खुला हुआ है, यहाँ से ना सारे के सारे बंदे बैठ सकते हैं इसमें। तो चलो छोड़ो यार, अपना हो ही गया, वैसे भी पेमेंट वगैरह ना सारी करते हैं और देखते हैं यार कितने डॉलर बने हैं। और ये रहा वो बंदा। ठीक है, बिल वगैरह बना ही रहा है ये, इसको बनाने देते हैं। ठीक है गाइस, देख रहो एक एक चीज़ को देख रहा है, बिल वगैरह बना रहा है। बना ले यार, फिर मेरे को बता दियो कितनी पेमेंट हो गया, फिर उस हिसाब से बन गया क्या। ठीक है, पेमेंट वगैरह करते हैं इसको। चलो यार, हम लोग बाहर की साइड आ गए थे, पेमेंट वगैरह मैंने इनको कर दिया। जो पेमेंट है वो है पूरे 15 मिलियन डॉलर्स की। अब मान रहे हो तुम लोग, ये जेट भी लिया है, वो टैंक भी लिया है, बाकी अपने जो सिक्योरिटी वाले बंदे हैं वो लॉस सैंटोस तक आ जाएंगे आज रात होने से पहले। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसमें बैठ करके चलते हैं। ठीक है, अब बाकी ये जो कह रहे हैं, जो तुम्हारा हेलीकॉप्टर है वो भी ये लोग पहुंचा देंगे। तो चलो गाइस, अब जल्दी से ना हम लोग बैठते हैं इसके अंदर। तो ठीक है यार, मिलते हैं फिर से।
जब भी मेरे फ्रेंड को अगर बॉडीगार्ड लेने होंगे, वैसे वो बोल तो रहा था कि वो आएगा। चलो अब जल्दी से हम लोग निकलते हैं इस वाले जेट को लेकर के। यार ये क्या खतरनाक है यार, मैं सोच रहा हूँ कि इसका कलर भी ग्रीन कलर का करवा देंगे तो और ज़्यादा अमेजिंग लगने वाला है ये। तो चलो यार अब जल्दी से इसको ना हम लोग पूरा ट्रांसफॉर्म करते हैं पहले ऊपर जा करके, अब इसको ना हम लोग यहाँ से उड़ा करके लेकर के चलते हैं सीधा पूरे फुल स्पीड में। मज़ा तो आ रहा है, पूरा हाईटेक वाली फीलिंग आ रही है यार। ये हाईटेक वेपन से कम थोड़ी है, जैसे मर्जी मैं इसको उड़ा सकता हूँ, लेफ्ट में राइट में जैसे तैसे 360 भी घुमा सकता हूँ। और चक्कर तो नहीं है आप लोगों को? ठीक है अब चलते हैं सीधा इधर से भगा करके लॉस सेंटोस के लिए। फाइनली गाइस इस टाइम पर हम लोग अपने प्यारे लॉस सेंटोस पे पहुंच गए हैं, और वो देखो सामने के साइड अपना मेलू भी मेंशन है। और यहाँ पर चल करके ना अब मैं अपने इस प्लेन को लैंड करवा देता हूँ। बाकी यार इसका कुछ नाम रखेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मेरे को दिखने में। कुछ ना कुछ तो सजेस्ट करो आप लोग कमेंट्स में, मैं आपके कमेंट्स वगैरह तो रीड कर ही रहा हूँ। और आराम से ना इसको यहाँ पर ला करके मैंने लैंड तो करवा दिया है, और ये ना कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, हेलीपैड पर प्रॉपर से फिट भी नहीं आया है। तो ठीक है गाइस इसकी भी ना जगह हम लोग चेंज कर देंगे, अभी जुगाड़ लगा करके हमने इसको इधर रख दिया है। आपको यार कैसा लग रहा है एक बार ना बताना, और अपने जो बॉडीगार्ड्स हैं बाकी अपना वो जो फ्लेम थ्रोवर वाला टैंक है वो ना मॉर्निंग तक आ जाएगा, और अभी ना मॉर्निंग होने में 3 घंटे बचे हैं। तो जल्दी से ना हम लोग चलते हैं सीधा ऊपर की साइड, और अपनी जो भी गाड़ियाँ और जितने भी अपने बॉडीगार्ड्स हैं ये देखो यहाँ पर हैं सबके सब, और ये देख रहे हो पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। एयर डिफेंस तो अपने 24 घंटे ऑन रहते हैं, ये देखो अपने तीनों के तीनों एयर डिफेंस ऑन है, और नीचे की साइड अपनी गाड़ियाँ हैं। चलो यार हम लोग भी अंदर की साइड चलते हैं, सो जाते हैं। बाकी अपने बॉडी गार्ड्स तो बेचारे इधर पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हें ना कल तुम्हारे साथ ही मिल जाएंगे और तुम लोग मिल करके मेरे को प्रोटेक्ट करना। चलो अब चलते हैं सीधा अंदर की साइड। तो ठीक है गाइस आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाकर के जरूर से लाइक कर दो। जो लाइक है मैं वो है पूरे 40,000 लाइक्स का, चैनल पर नहीं हो और अपने भाई को पहली बार देख रहे थे तो करो सब्सक्राइब, 7 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो ठीक है गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, और एक चीज़ और जा करके ना गाइस आप लोग पैल वर्ल्ड वाली वीडियो भी देख लो जिससे पिछली है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है सीरीज़ है, उसका भी सेकंड पार्ट आने वाला है। ठीक है मिलते हैं बहुत ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।